हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। बताना चाहूँगा कि मैं आज आपके लिए लाइंस और एंगल के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को देना चाहूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कि जब दो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि ये नीचे डायग्राम से क्लियर है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो डिफिनीशन इसकी क्या होगी? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कि जब व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि जो दो एंगल है, दो एंगल का सम जब एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा हो तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कि जब दो एंगल हैं उनमें कोई एक कॉमन वर्टिक्स हो और कॉमन आर्म हो तो नॉन कॉमन साइड डिफरेंट हो। जो नॉन कॉमन साइड है वो डिफरेंट है और एक कॉमन वर्टिक्स हो और एक कॉमन आर्म हो तो ये क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। जैसा कि नीचे डायग्राम में लिखा हुआ है, ये है हमारा एडजेसेंट एंगल। और एंगल वन कॉम्प्लीमेंट्री और एंगल टू हमारा है सप्लीमेंट्री। अब जो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर गिवन दैट में क्या है, ए बी और सी डी दो लाइन है जो कि ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव करना है एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी या ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। अब प्रूफ, प्रूफ में हम देखते हैं कि ए ओ डी और ए ओ सी दोनों मिलकर के क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम वही लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ओ डी बराबर 180 लीनियर पेयर। अब जब ए ओ डी को रोक लेंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वन एंगल ए ओ सी, ये होगी हमारी क्वेश्चन वन। ठीक इसी तरह से ए ओ सी और बी ओ सी में भी बना लेंगे तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए ओ सी, ये हो गई हमारी इक्वेशन टू। अब हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं 180 डिग्री, और दोनों में से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें जो फाइंड होगा रिमाइंडर वो भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। अब हम जो दूसरा पार्ट है वो हम सिर्फ लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब जो एग्जांपल नंबर वन वन का जो क्वेश्चन है वो है कि फिगर में आपको दिया हुआ है लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट कर रही है इच अदर को ओ पॉइंट पर। हमें पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशियो दिया है 5:7। हमें आल एंगल फाइंड करना है। सोल्यूशन में फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू 5:7 है तो जो सम ऑफ रेशियो होगा हमारा वो होगा 5 + 7 = 12। अब पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180, क्योंकि ये जो है वो क्या बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। अब पी ओ आर बराबर क्या होगा, 5/12 × 180, 12 × 12 = 12 60। अब 15 × 5 = 75 डिग्री तो एंगल पी ओ आर हमारा आ गया 75 डिग्री। अब एंगल आर ओ क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पर 7/12 × 180 होगा, फिर 12 × 12 यहाँ भी 15 ही आएगा डिवाइड करके, 15 × 7 = 105 डिग्री। अब एंगल पी ओ आर बराबर एंगल क्यू ओ एस तो ये दोनों
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी सेम उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी ओ आर क्यू ओ एस 75 डिग्री के होंगे, एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री के होंगे, यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल जो नंबर टू है उसमें दिया हुआ रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल पी ओ एस बराबर एक्स फाइंड एंगल आर ओ टू आर ओ टी सॉरी। अब हमें यहाँ पर गिवन है ये पी ओ क्यू एक लाइन है जिसमें रे ओ एस ओ एस स्टैंड कर रही है, ओ आर रे और ओ टी बाई सेक्टर है एंगल पी ओ एस और एंगल क्यू ओ एस का रेस्पेक्टिवली। और हमें दिया है कि पी ओ एस ये पी ओ एस इसकी वैल्यू एक्स है, हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ टी एक्स के टर्म में। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले रे ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी क्यू, सो पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180 क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब एंगल क्यू ओ एस इसको यहीं रोका, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। अब एंगल पी ओ एस की वैल्यू हमें दी है एक्स, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। अब हाफ एंगल क्यू ओ एस बराबर हाफ 180 डिग्री माइनस एक्स होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर हमने होल इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दिया है, तो ये हाफ एंगल क्यू ओ एस बराबर हाफ एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स मिला है। अब इसको हम डायग्राम से क्लियर है कि बाई सेक्टर है, तो हमें ज़रूरत आर ओ टी में और में एस ओ टी की पड़ेगी, तो हमने क्यू ओ एस का जो आधा है वो लिख दिया एस ओ टी, तो एस ओ टी बराबर 90 माइनस एक्स बाई टू, ये इक्वेशन हमारी वन हो गई। अब उसी तरह से एंगल पी ओ एस बराबर हमें एक्स गिवन है, तो हाफ एंगल पी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा एक्स का हाफ हो जाएगा। अब लेकिन पी ओ एस में जो आर ओ एस है और पी ओ आर दोनों इक्वल हैं, लेकिन आर ओ टी में हमें ज़रूरत आर ओ एस की पड़ेगी, इसलिए एंगल आर ओ एस बराबर एक्स बाई टू इक्वेशन दो बना लिया। अब उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर लेंगे तब हमें आर ओ टी फाइंड हो जाएगा, आर ओ टी बराबर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। तो आर ओ टी को वैसे ही रखा फाइंड करना है, आर ओ एस की वैल्यू हमने एक्स बाई टू निकाली है, एस ओ टी की वैल्यू प्लस 90 माइनस एक्स बाई टू, तो ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल हो गया, एंगल आर ओ टी बराबर 90 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। अगर यही प्रूफ करना होगा तो यही हैंस प्रूफ, यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर थ्री में है ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ एस आर फोर रे प्रूफ दैट एंगल पी ओ क्यू क्यू आर और एस ओ आर एंगल पी ओ एस बराबर 360 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लिया, उसके बाद ये हमें गिवन है, अब प्रूफ हमें करना है पी ओ क्यू क्यू ओ आर एस ओ आर और एंगल पी ओ एस बराबर 360। उसका कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ क्यू को एक्सटेंड कर देंगे टी पॉइंट तक। अब उसके बाद प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में हमने क्या देखा कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ टी बराबर 180, दोनों का सम 180 है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल टी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर क्या होगा 180 डिग्री, तो ये क्या होगा लीनियर पेयर। अब ये है टी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, इन दोनों का सम क्या होगा लीनियर पेयर होगा। अब टी ओ एस को तो हम टी ओ एस ही लिखेंगे और क्यू ओ एस को आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180, ये हो गई इक्वेशन हमारी टू। अब जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे
तो हमें फाइंड होगा और एडिंग क्वेश्चन वन एंड टू, इन सबको एक साथ ऐड करके लिख देंगे, पी ओ टी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर 360। अब एंगल पी ओ टी और एंगल टी ओ एस ये दोनों मिल करके एंगल पी ओ क्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, और जो हमारा पी ओ एस है, सॉरी पी ओ टी और टी एंगल टी ओ एस एंगल पी ओ एस का फॉर्मेशन कर देंगे, और पी ओ क्यू ऐसे ही नोट हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर ऐसे ही, और एंगल आर ओ एस सेम उसी तरह से इक्वल टू 360। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट इफ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 एंड बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सोल्यूशन में फर्स्ट हमें गिवन दैट में लिखेंगे ए बी एंड सी डी, लाइन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट एंड ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई बराबर 70, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमने डायग्राम भी ड्रा कर दिया। अब फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40, ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पर जो बी ओ ई की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, और ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल है जो कि हमें 40 डिग्री दिया था, वो पुट कर देंगे तो बी ओ ई प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब एंगल बी ओ ई बराबर 70, ये इधर प्लस का 40 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ओ ई बराबर 30 डिग्री, ये हमें फाइंड हो गया। अब सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, शोइंग स्ट्रेट लाइन, ये तीनों एंगल का सम स्ट्रेट लाइन है, और ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री है, तो वो हम 30 प्लस 40 पुट कर देंगे तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ये इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और उसके बाद एंगल सी ओ ई बराबर क्या होगा, जब 180 में से 70 माइनस हुआ तो एंगल सी ओ ई बराबर 110 डिग्री। अब हमें रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, तो रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर क्या होगा, 360 माइनस एंगल सी ओ ई, जब 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये रेफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बराबर 250 डिग्री फाइंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर टू है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये एक्स वाई है, ये एम एन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, इफ़ पी ओ वाई पी ओ वाई बराबर 90 है एंड ए रेशियो बी, ए बी में रेशियो 2:3 है, फाइंड करना है एंगल सी की वैल्यू। अब उसके बाद गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्ड हमने डायग्राम बना लिया, अब उसके बाद में ये फाइंड करना है एंगल सी। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, और एंगल पी ओ एक्स पी ओ एक्स ये भी 90 होगा। अब ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, द सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 2+3 इक्वल टू 5। अब एंगल ए बराबर 2/5 × 90, 5 × 5 18 × 90, तो 18 × 2 = 36, एंगल ए बराबर हमारा आ जाएगा 18 डिग्री। अब एंगल बी बराबर 3/5 × 90, तो 5 × 5 5 × 8 = 40, एंगल बी बराबर तो क्या आ जाएगा, 18 × 3 = 54 डिग्री। अब बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है डायग्राम से, और बी की वैल्यू 54 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, 54 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, एंगल सी बराबर 126 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज 6.1 का, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू,
देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, पी क्यू एस बराबर पी आर टी और पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू ये गिवन है। फर्स्ट हम गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेंगे और प्रूफ करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी। अब प्रूफ में क्या होगा, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब पी क्यू एस इधर ही रोकेंगे, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू इक्वेशन टू। और जो हमें गिवन था कि दोनों इक्वल हैं पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, इसको हमने इक्वेशन वन मान के छोड़ दिया है। अब अगेन पी आर टी प्लस पी आर क्यू बराबर क्या होगा 180, तो पी आर टी बराबर 180 माइनस पी आर क्यू, ये हो गई इक्वेशन थ्री। अब जब ये इक्वेशन थ्री हो गई तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड इक्वेशन थ्री वी गेट क्या हो जाएगा, ये इक्वल में से अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर इक्वल होंगे। ये हमारी यूक्लिड की क्या होती है, एग्जाम्स होती है, तो उस एग्जाम से क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर होगा, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी ये है और ओ सी और ओ डी ये हमारी रे है। यहाँ पर सॉल्यूशन, फर्स्ट हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम ड्रा कर लिया और हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इसको इक्वेशन वन मान के छोड़ दिया। प्रूफ करना है ए ओ बी जे लाइन। प्रूफ में क्या होगा, x प्लस वाई और w z प्लस डब्ल्यू बराबर 360, क्योंकि ये पूरा एक होल एंगल शो कर रहा है। अब उसके बाद में x प्लस वाई, तो ये z प्लस डब्ल्यू की जगह हमने x प्लस वाई पुट कर दिया बराबर 360 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन वन। एक एक्स और एक एक्स, टू एक्स हो गया, एक वाई और एक वाई टू वाई हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब दोनों में से दो कॉमन लिया तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 360 अपॉन टू, तो टू वन जा टू 180 डिग्री आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। जब x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 180 डिग्री आ गई तो इसका मतलब है कि ए ओ बी इज ए लाइन, हैंस प्रूव्ड। मतलब यही हमें प्रूव करना था, ये एक लाइन है क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर लेयर लाइंग ऑन द रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस बराबर हाफ एंगल ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट हमने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर दिया, तो पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है और जो ओ एस है हमारा वो क्या है, अनदर ले रे है जो कि ओ पी और ओ आर के बीच में लाइन कर रही है, मतलब सिचुएटेड है। प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस बराबर हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ में क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यू ओ आर हमारा पी ओ आर के इक्वल होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। अब एंगल क्यू ओ एस को क्यू ओ एस ही रहने दें और पी ओ आर को एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस में ब्रेक कर दें, तो क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो ये क्या हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू टू एंगल आर ओ एस। अब ये यहाँ से टू इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, वन बाई टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। अब उसके बाद में हम चाहे लेफ्ट को राइट में लिखें, राइट को लेफ्ट में लिखें, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, तो एंगल आर ओ एस बराबर
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज ए गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, और इसके बाद ये कह रहा है कि एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस किया पी पॉइंट तक और इसका बाइसेक्टर वाई क्यू खींच दिया। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम, और ये जब बाइसेक्टर है तो एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी को हमने ए सपोज कर लिया, और फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। सल्यूशन में क्या होगा, एंगल पी वाई क्यू बराबर एंगल जेड वाई क्यू बराबर ए, बाइसेक्टर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ए मान लिया। अब एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड बराबर 180, जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड दोनों 180 है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल डायग्राम से क्लियर है। अब ए प्लस ए जेड वाई पी क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस ए 2a प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद में ए प्लस ए 2a हो गया बराबर 180 माइनस 64। अब 2a इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 64 माइनस होगा तो आ जाएगा 116 डिग्री। अब a में 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 5 10 2 8 16, तो a इक्वल टू 58 डिग्री। ये हमारा a जो था फाइंड हो गया। अब उसके बाद एंगल एक्स वाई क्यू बराबर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, 64 प्लस 58, तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 6 8 प्लस 4 12 6 5 11 12, तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री। अब उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी बराबर 360 माइनस एंगल क्यू आई पी, तो 360 में से एंगल जब क्यू आई पी माइनस करेंगे तो क्यू आई पी की वैल्यू 58 है, तो 360 में से 58 माइनस हुआ तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी बराबर 302 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। लाइंस और एंगल चैप्टर में अब दूसरा एक जो टर्म है कि दोनों लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरह से ये दोनों लाइन पैरेलल दी है पी और क्यू, एल ट्रांसवर्सल है, तो 1 2 3 4 एंगल ऊपर बनना है, 5 6 7 8 नीचे बनना है, तो एंगल 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग, और 3 और 7 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो इसका मतलब ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। 3 और 5 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, सेम उसी तरह एंगल 3 और 5 और 2 और 8 ये क्या होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो कि इक्वल होते हैं, और 1 और 7 4 और 6 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो कि इक्वल होते हैं। टू एंगल 2 प्लस 5 180 होगा, एंगल 3 प्लस 8 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यही मेन प्रॉपर्टी होती है जो कि इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल का है जिसका पी क्यू पैरेलल आर एस है और उसके बाद में एंगल एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू ये हमारा 135 है, एम वाई आर ये हमारा 40 डिग्री है, हमें एंगल एक्स एम वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम ड्रा कर लिया और कंस्ट्रक्शन कर लिया ए बी पैरेलल पी क्यू के, तो जो कि पैरेलल है आर एस के, तो मतलब ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई। अब सॉल्यूशन में पी क्यू पैरेलल ए बी है बाई कंस्ट्रक्शन, तो ए प्लस 135 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, ए बराबर 180 माइनस 135, तो ए बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। अब उसके बाद ए बी पैरेलल
आर एस है, ए बी पैरेलल आर एस है, तो एंगल बी बराबर क्या होगा, 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अब जो एंगल बी है वो एक्स एम वाई के इक्वल है, एक्स एम वाई। अब बी बराबर जब हमारा 40 आ गया अल्टरनेट एंगल से, तो एंगल एक्स एम वाई बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू हमने 45 निकाली है और बी की वैल्यू 40, तो एंगल एक्स एम वाई बराबर 85 डिग्री आंसर हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए ट्रांसवर्टर इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट दी टू लाइन्स आर पैरेलल। गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट डायग्राम बना लिया, पी क्यू पैरेलल आर एस है, सॉरी पी क्यू और आर एस दो लाइन है जिसमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इनके, जो कि इनके बाइसेक्टर ये आपस में पैरेलल है, मतलब बी ई पैरेलल सी जी। अब ये जो बाइसेक्टर हैं ये आपस में पैरेलल हैं। अब हमें ए बी ई बराबर बी सी जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होगा, ए बी ई बराबर बी सी जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गए। अब हमें ये बाइसेक्टर दिया है, तो हाफ एंगल ए बी क्यू बराबर हाफ एंगल बी सी एस, तो एंगल ए बी ई बराबर हाफ एंगल ए बी क्यू इक्वेशन टू बना लिया, और उसी तरह से एंगल बी सी जी बराबर हाफ एंगल बी सी एस बना लिया, ये इक्वेशन थ्री हो गई। अब उसके बाद जब फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ एंगल ए बी क्यू बराबर हाफ एंगल बी सी एस, और दोनों का हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एंगल ए बी क्यू बराबर एंगल बी सी एस हो गया। अब वेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन अपोजिट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, हमें पता है सो पी क्यू पैरेलल आर एस हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी पैरेलल सी डी है, और उसी तरह से ए जो हमारा सी डी पैरेलल ई एफ है, और जो हमारा ए ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब एंगल बी ई एफ बराबर हमारा बी ई एफ 55 डिग्री है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में गिवन दैट डायग्राम हमने ड्रा कर लिया, सॉल्यूशन में क्या होगा, वाई प्लस 55 इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो y बराबर आ गया 180 में से ये 55 माइनस हो जाएगा, y बराबर 125 डिग्री। अब x बराबर y होगा, x बराबर y होगा क्यों, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। अब उसके बाद ए बी पैरेलल ई एफ है, सो बी ए ई और ए ई बी दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल से 180 के इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, तो बी ए ई हमें 90 दिया है और ए ई एफ दिया है हमें जेड प्लस 55। अब जो जेड प्लस 55 है ये यहीं रोकें, मतलब 90 प्लस 55 145 हो जाएगा, जेड को इधर ही रोकेंगे और ये क्या हो जाएगा कि जेड जो है यही रहेगा, 180 में से जब 145 माइनस होगा तो जेड बराबर 35 डिग्री आंसर हो जाएगा। यही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, एक्स की 125, वाई की 125 और जेड की 35 डिग्री, यही हमारा आंसर। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी, और ये हमारा डायग्राम है, ए बी और सी डी दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, एक्स है ये 50 डिग्री है, ये वाई है ये 130 डिग्री है। सॉल्यूशन में गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ये ए बी सी डी दो लाइन बना दी और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 50x, ये वाई, ये 130। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, x प्लस 50 बराबर 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री। अब y बराबर 130 क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, जब हमने देखा कि x बराबर y बराबर 130 है, वैन x बराबर y बराबर 130।
व्हेन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन अपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब अपोजिट लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, सो ए बी पैरेलल सी डी, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, फाइंड द वैल्यू एक्स। और ये रहा डायग्राम, ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है एक्स वाई जेड। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी सी डी और ई एफ लाइन ड्रा कर ली जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन में क्या होगा, ए इक्वल टू वाई, इसको हमने ए मान लिया तो ये ए इक्वल टू वाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब वाई रेशियो जेड 3:7 दिया है, वाई और जेड में रेशियो दिया है, मतलब ए और जेड में रेशियो होगा 3:7, तो ए प्लस जेड क्या हो जाएगा हमारा, तो ए हमारा वाई के इक्वल है तो एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ पॉइंट इन एंगल सप्लीमेंट्री होता है। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3/12 × 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि 3/10 × 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 × 3 = 54, तो एंगल वाई बराबर आ गया 54 डिग्री। अब एंगल वाई बराबर 54 है, उसके बाद एंगल जेड बराबर 7/10 × 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 × 7 = 126, तो 18 × 7 = 126 है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल जेड की वैल्यू होगी। अब हमें पता है कि एंगल एक्स बराबर एंगल जेड होगा 126 होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि डायग्राम से क्लियर है कि एंगल जेड और एंगल एक्स अल्टरनेट हैं एक दूसरे के, तो यही हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर सी डी एंड जी ई डी बराबर 126 एंड ए जी ई और जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हमने गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, उसके बाद फाइंड करना है वो लिख दिया। सॉल्यूशन में क्या होगा, एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी 126, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ए जी ई बराबर जी ई डी, अल्टरनेट एंगल होगा इक्वल हो गया। अब जी ई डी बराबर क्या होगा, जी ई एफ प्लस डी ई एफ, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, डी ई एफ हमारा 90 डिग्री है, जी ई एफ हमें फाइंड करना है और जी ई डी 126 दिया हुआ है, तो 126 ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो जी ई एफ बराबर क्या, 126 माइनस 90, तो जी ई एफ बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। उसके बाद एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो ए जी ई की वैल्यू 126 दी हुई है, एफ जी ई की वैल्यू में फाइंड करनी है, इक्वल टू 180, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई बराबर 54 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ पी क्यू पैरेलल्स एस टी, एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी बराबर 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। अब ये हमारा पी क्यू एस टी पैरेलल है, पी क्यू आर 110 है, आर एस टी एंगल 130 डिग्री है। उसके बाद गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर लिया, अब उसके बाद में हमने देखा कि हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रा ए पैरेलल लाइन एक्स वाई टू पैरेलल पी क्यू विच इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स बराबर 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हमारा सप्लीमेंट्री होता है। अब एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स हमारा 180 है, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, पी क्यू आर की 110 वैल्यू है, क्यू आर एक्स फाइंड करना है 180, तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180 ये इधर से इधर आएगा माइनस हो जाएगा 110 डिग्री, एंगल क्यू आर एक्स बराबर 70 डिग्री। अब एंगल आर एस टी प्लस एंगल वाई आर एक्स बराबर 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अब उसी तरह से क्या होगा, आर एस टी की वैल्यू हमें 110 दी हुई है, वाई आर एस
फाइंड करना है 180 डिग्री, तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल वाई आर एस बराबर 180 माइनस 130, एंगल वाई आर एस बराबर 50 डिग्री। उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई बराबर 180, शोइंग स्ट्रेट लाइन, तीनों मिलकर के स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो ये हमने 70 निकाला है, ये हमने एस आर वाई 50 निकाला है, और एंगल क्यू आर एस हमसे पूछा गया है, तो बराबर 180, इन दोनों का सम 120 होगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल ए पी क्यू बराबर 50 एंड पी आर डी बराबर 127, फाइंड वैल्यू एक्स एंड वाई। जैसा कि डायग्राम में दिया है, ए बी पैरेलल सी डी के है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है और पी आर एक ट्रांसवर्सल है, पी आर डी 127 और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है, और हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर लिया, फाइंड करना है एक्स वाई। सॉल्यूशन में क्या होगा, ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर, ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो पी क्यू आर की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो एक्स बराबर क्या हो गया 50, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब ए पी आर बराबर पी आर डी, ये भी अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ए पी आर पी आर डी, तो ए पी आर क्या है 50 प्लस वाई बराबर 127, पी आर डी है, तो फिर वाई बराबर क्या होगा 127 माइनस 50, अब वाई बराबर क्या आ जाएगा 77 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी क्यू आर एस दो मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू इच अदर, एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द बी सी स्ट्राइक और आर एस एट सी, और जो सी डी है हमारा अगेन रिफ्लेक्ट बैक, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। गिवन दैट पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर सच दैट, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रा कर दिया, पी क्यू पैरेलल आर एस है, और प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। कंस्ट्रक्शन में हमने बी एम और सी एन ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए पी क्यू और आर एस पर। अब उसके बाद में प्रूफ, बी एम पैरेलल सी एन है बाई कंस्ट्रक्शन, तो एंगल एम बी सी बराबर एंगल बी सी एन, एम बी सी बराबर एंगल बी सी एन इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अब एम बी सी को हम हाफ एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इक्वल होता है सेम इसी तरह यहाँ पर, तो हाफ एंगल ए बी सी बराबर हाफ एंगल बी सी डी। अब हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी, वेन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन अपोजिट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लाइन्स और एंगल की जो वीडियो है पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।